सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। किया लूता दिया वा बारी के जा मैया के आरती उतार के जा। सबसे पहले हम प्रमोद प्रेमी सब भाई लोग के हैप्पी नवरात्रि की ढेर सारा शुभकामना हमरा ओर से। और आज हमार फिल्म चक्रव्यूह के रिव्यू रहे, बहुत अच्छा लागल। जेकर डायरेक्टर हमरे समीर जोशी जी बानी, बहुत अच्छा फिल्म बनौले बने भाग। टोटल फिल्म नेपाल में शूट भइल भाई और फिल्म के मेकिंग बहुत अच्छा भइल बा। टेक्नीशियन से लेकर गाना मधुकर भैया के, मधुकर आनंद जी के गाना भी सब एक से ऊपर एक बा। और आप सबसे बिनती नहीं हो रहा बा कि बहुत जल्द एक ट्रेलर छूटे वाला बा और फिल्म रिलीज हुई, आप सब प्यार दुलार आशीर्वाद दे। पूरी फिल्म आप देखने थे, मैं काल खास आपका एज ए ऑडियंस मतलब देखी। एमे स्टोरी बहुत अच्छा बा। चार तीन भाई बानी हम, तीन सबसे छोट हम रहता नहीं और दूगो दोस्त हमारा रहता लो। और बहुत बड़े साम्राज्य जो में विलेन रहता उन बहुत बड़ा साम्राज्य रहता लोग, चार भाई रहता और वो में से वो लोग लड़की के लेकर हम भागत हैं। तो वही पर लव सीक्वेंस बहुत अलग किस्म के में लव सीक्वेंस बाय। म्यूजिकली कितना हिट बा? म्यूजिकली गाना सब में 200% हिट बा। स्टोरी वगैरह जो भी बा वो भी बहुत अच्छा जोशी जी बनौले बने। अब तक ढेर सारा किरदार निभाए, कितना डिफरेंट रोल निभाए मिलेगा? देखी जौन भी मिलेगा करेक्टर आदमी करे ला, बाकी कुछ अलग हमार बा। एमे करेक्टर हमारा अलग बा और एगो नहीं होता कि लवर प्रेमी एगो अपना प्रेमिका के लेके जब जंगल में भागेला तो कितना कठिनाई झेलेला, अंतिम में का होला, तो वही लेके स्टोरी बा। बहुत अच्छा है कहानी बा, बहुत अच्छा से भइल बा, बहुत जल्द फिल्म रिलीज भी हुई। आपके फिल्म में जो नायिका बानी उनका बारे में का चाहिए? एमे बहुत बढ़िया एक्टर मणि भट्टाचार्य जी, इनका साथ हमारे फिल्म पहलका रहे। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बंगाल के हैं और इनके साथ काम करके बहुत हमको अच्छा लगा। आई देखिए हमरे भैया हमरे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद जी जौन सौ में 200% म्यूजिकल फिल्म हिट भाई। जितना भोजपुरी के श्रोता लोग बा सब कोई के हाथ जोड़ के प्रणाम। अभी हमने के प्रीव्यू देख के निकलने हैं जब चक्रव्यूह के, बहुत कमाल हमारे भाई ने एक्टिंग किया है, बहुत बढ़िया गाना वाना गाए हैं। आप लोग ज़रूर प्यार दीजिए, अच्छी पिक्चरों को जरूर आप लोग प्रोत्साहित कीजिए। एक्शन वगैरह जो भी सब चीज़ अच्छा है? एक्शन वगैरह बहुत अच्छा है, एक्शन बहुत अच्छा है, मोशन भी है, लोकेशन तो एकदम कमाल का, टेक्निकल पक्ष बहुत बढ़िया। हमारे जो डायरेक्टर हैं समीर जी बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं। तो सर आइए, सर आइए, छोड़ के आए क्या यादें लेके आए? नेपाल की यादें तो बहुत कुछ है सर। डायरेक्टर सर मेरे जोशी जी से आप लोग बात कीजिए, जो बहुत अच्छे फिल्म बनाए हैं। और इस फिल्म में 1.5 महीना लगा था ना सर? 1.5 महीना शूटिंग इस फिल्म का चला था और आशा ने पूरा विश्वास हमार बाकी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। जैसे कि डायरेक्टर साहब ज्वाइन कर ले वाले और एक और फर्स्ट लुक सरगम और सिंदूर का भी लगा दे ले वाले कि धमाका जल्दी। हाँ सर के साथ काम करें बहुत अच्छा है ना, बोला कि इतना नेचुरल आदमी है कहीं कि यहाँ के बिन बोलावले हम कहीं कि आप एगो फिल्म के मुहूर्त कर ली बिना साइनिंगे के। तो सर एगो सर के फिर फैमिली है, फैमिली जैसे हम लोग मधुकर भैया हम चाहे सभी लोग सपोर्ट है सर के साथ। इनका ऐसा नेचर है, इनके साथ सभी लोग मरना चाहता है। तो इनका एक फिल्म है सरगम और सिंदूर, सरगम और सिंदूर आप दिखा दीजिए, नाम दिखा दीजिए, बहुत अच्छा है, अभी फिल्म बनेगी। खाली इसमें हमारा नाम छूट गया है। हाँ आपका नाम छूट गया, इसमें होना चाहिए था, दिया था मैंने। तो ये कहा जा सकता है कि चक्रव्यूह से अगर निकल गए तो सरगम और सिंदूर के साथ जुड़ गए। ये कहानी का स्टोरी सर बताई। हाँ तो जल्दी मतलब इसका मुहूर्त होने वाला है, ज़्यादा बहुत जल्दी। हम जानना चाहेंगे चक्रव्यूह में आपने जो ताना बाना मुड़ा था, जो सोचा था आज हम लोगों ने देखा, क्या कहना चाहेंगे आप, कितना खुद के कसौटी में कितना खड़े उतरे हैं? अब देखिए सबका काम, सबका मेहनत, हम लोग इतना 1.5 महीना तक हम लोग काम किए ना, अब इतना ज़्यादा देखिए प्रमोद जी इतना मतलब मेहनत किए हैं बहुत ज़्यादा, देखिए फाइट में इधर उधर बहुत। अब सबसे बड़ी मेहनत तो अपना मधुकर जी की, अरे गाना देखिए इतना बढ़िया गाना और जो टाइटल सॉन्ग सबसे बढ़िया, एक तो सब गाने बढ़िया है और मधुकर जी ने अब इतना बढ़िया से मतलब कि सजाया इस गाने मतलब फिल्म में,
तो मधुकर जी को तो मैं क्या बोलूँ, इसलिए तो वो अगली फिल्म नंबर वन अभी के डेट के भैया मधुकर आनंद जी गिनाई ले, आ काम भी वही ढंग के भइल बा और गाना एक से एक से बढ़ के एक ऊपर बा। इसको अभी सस्पेंस से रखते हैं क्योंकि देखिए लव स्टोरी है। प्रमोद जी ऐसे हैं, मतलब एक ऐसे एक्टर है ना, मैं जहाँ पर भी डाल सकता हूँ उनको, मतलब एक एक्शन तो है उनका लेकिन लव स्टोरी में बहुत प्यारा लगेंगे वो। अच्छा प्रमोद जी की बात कीजिए, जैसे कि जब आपने सुना था प्रमोद जी एक बड़े सिंगर हैं, इनको एज ए हीरो लेना है और पूरी फिल्म की शूटिंग आपने की है, तो जब आप मिलने और जो आपने सोचा था प्रमोद जी के बारे में और जो आप काम करते हो प्रमोद जी के बारे में, दोनों कितना डिफरेंट मिला? बहुत बहुत फर्क, क्योंकि मैं जो सुना था, और एक तो सिंगर देखिए एक से एक गाना हिट, मतलब एक गर्व लगता है कि अरे प्रमोद जी का इतना गाना, जो भी देखिए ना अभी भक्ति का गाना देखिए माता जी, अरे बाप रे वो गाते हैं ना दिल से गाते हैं, कि मतलब वो दिल से गाते हैं इसलिए तो दिल से सुपर हिट है ना। और जो सोचा था हम लोग, जैसा कि अब फिल्म में हम लोग काम करते रहे, इतना मतलब हम लोग फैमिली जैसा हो गए, अब देखते हैं अगले उस काम में हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी सरगम सिंगर है लगातार, हाँ हम लोग शूटिंग करेंगे, मधुकर भैया भी हैं, हाँ हम लोग इनके पाछा में हम लोग बड़ाई करते हैं सर। हाँ बहुत अच्छा, काम करवाने का तरीका भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, आप किससे किस लेवल से काम करा रहे हैं, कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के आप काम करवा रहे हैं, तो ये सब इनमें बड़ा अच्छा गुण है। और डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा से अच्छी चीज़ें निकलवाते हैं लोगों से, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। ये फिल्म के कैरेक्टर विलेन में रजनी जी से आप जब उनका मैं देखा ना स्टाइल वो देखा, तो वो बोले कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे ना क्यों नहीं, तो हम लोग बिना कोई कोई की जगह पर ऐसा भी है बिना, मतलब वो सेफ्टी भी नहीं था, इतना सेफ्टी नहीं था उसमें, बहुत जगह पर सेफ्टी नहीं था, फिर भी हम लोग ये तो वो बहुत अच्छी तरह से, मैं बोलता हूँ उनको क्या बोलते हैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री के अक्षय कुमार, सब मतलब वर्सटाइल, कॉमेडी में भी परफेक्ट और आपके ड्रामे में भी परफेक्ट, मतलब एक्शन में भी परफेक्ट, लेकिन कसौटी पर खड़े एकदम एकदम जो सोचा था उससे ज़्यादा। कसौटी पर खड़े भी उतरे और खड़े भी उतरे। फिल्म के विलेन कैरेक्टर में रजनीश पाठक जी से चाहे कुछ बतिया ली रजनीश जी, अनुमरता देखी रजनीश जी तो अभी भाई हमारे साथ सात आठ को फिल्म पाठक जी अभी हमारे कैला है, हालांकि सब काम पाठक जी मेरे देखते हैं, जितना फिल्म वगैरह मीटिंग सीटिंग जो भी हो पाठक जी ये डील करते हैं। और इस फिल्म में चार विलेन का कैरेक्टर है, दीपक भाटिया जी हैं और अभी नेपाल के सुपरस्टार जी हैं और भाटिया जी और सभी लोग मैंने अच्छे करेक्टर थे। अब चारों भाई में एक्शन होता है और फाइट चलता रहता है, बहुत खतरनाक रोल इनका भी है इस फिल्म में। रजनीश जी आपको जैसे भी हम लोगों ने देखा पर्दे पे बड़ा इधर यहाँ वहाँ सब कटाए हुए थे, कटाए थे कि कट गया था बाद में आपने डिजाइन बना लिया? नहीं, हमारे डायरेक्टर साहब का कृपा है और हम चाहते हैं जितनी भी फिल्म करें हर फिल्म में एक अलग लुक होना चाहिए, और हम जो भी फिल्म करते हैं तो जिस लुक में भी जाते हैं, तो जैसे आज ये इस लुक में है तो हम चाहेंगे बाहर निकले तो लोग इस लुक में भी पहचाने, जितना भी हम चेंज करते हैं तो रियल लाइफ के जैसा हम जैसे कहीं भी जा रहे हैं किसी भी लुक में रहें तो लोग पहचानना चाहिए, लोगों के माइंड में आना चाहिए। अच्छा कबीर को पूरी फिल्म आपने देखा जो शूटिंग के दौरान आप जो शूटिंग कर रहे थे अलग जी इमेजिंग कहाँ होगा, आपने पूरी फिल्म देखा तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस का? एज ऑडियंस बहुत बेहतरीन फिल्म है और आप काफ़ी फिल्म देखे रहेंगे, एक्शन को लेके तो विलन डिपार्टमेंट तो काफ़ी ढांसू है जो कि अपने आप में तूफान मचाए हैं, इसमें कॉमेडी भी बहुत प्यारा लगा है जो समीर सर ने दिया है, और भाई का जो वर्क है जो एक सीरियस प्यार को लेके एक्शन को लेके जो चीज़ भी देखा है हमने बड़ा डिफरेंट है, और जैसे कि गाने को लेके हमारे भैया मधुकर आनंद जी बहुत बेहतरीन म्यूजिक किए हैं, गाने बहुत प्यारे हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब समीर कुमार जोशी जी जो कि बहुत ही प्यारे और बहुत ही स्वीट लगते हैं और अपने आप में खुद भी एक हीरो लगते हैं, और लड़कियां भी वैसे देखें तो आज भी हमें भूल के इनको ज़्यादा ध्यान देंगे, तो बहुत बेहतरीन है, उन्होंने
हंसते हंसते पूरी फिल्म को कंप्लीट किया और हम लोग को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम फिल्म कर रहे हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत अच्छे कैरेक्टर मुकेश राज जी हैं, जो कि फिल्म में हमारे दुश्मन हैं, लेकिन ऐसे तो आई है फिल्म में दुश्मन है और यहाँ दोस्त हैं। यहाँ तो दोस्त हैं। और अब देखिए, सबसे बड़े दुश्मन तो हमारे हर फिल्मों में देखोगे तो प्रमोद भाई हैं, प्रमोद प्रेमी जी, लेकिन हम दो जिसमें एक जान है तो अलग बात है। कभी अच्छा, जैसा कई फिल्मों साथ में कभी कोई जिसने बोला कि आप लोग साथ रहते हैं और एक दूसरे के मतलब दुश्मनी भी रखते हैं? वो फिल्म तक रखते हैं, बाकी का बाकी तो इनका दुश्मन हमारा दुश्मन। हाँ हाँ, फिल्म के बाहर तो इनका दुश्मन हमारा दुश्मन, हम दो जिसमें एक जान इसीलिए है ना। और फिल्म में तो दुश्मनी करेंगे, हीरो और हम इंडिया पाकिस्तान हैं एक तरफ हीरो एक तरफ विलन, तो वही कट्टर दुश्मनी है। फिल्म तो बहुत ही अच्छा बना है, हमारे सर डायरेक्टर साहब जो है समीर कुमार जोशी जी, उन्होंने मेहनत बहुत मेहनत की है इस कॉन्सेप्ट को लेके, और हम लोग भी उसके साथ साथ में साथ दिए उनको और पूरी मेहनत के साथ इस फिल्म को हम लोग तैयार किए हैं, और उतना ही शायद भगवान ने उतना फल देंगे, उम्मीद है ऐसा। अपने भाई जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त का करेक्टर किए हैं, यानी हीरोइन को मानी संदीप जी, और बहुत ही लोग सपोर्ट किए समीर जी को और हमको सबको अपने लेखा। भाई हम लोग नेपाल में थे 1.5 महीना, अपने भाई लेखा ये लोग इज्जत भाव सब मान प्रतिष्ठा किया, और बहुत सारा भाई लोग प्यार करते हैं। सो जितने भी प्रोड्यूसर थे सब लोग प्यार से बात दिए। जी भैया, आप बताना चाहेंगे आपने जो सोचा था और आज फिल्म बन के और आपने देखा? सोचा तो बहुत अच्छा था, और जैसा सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा हुआ है, वो भी हमारे समीर सर है डायरेक्टर जी, उनके वजह से हुआ, और हमारे प्रमोद भैया है और हमारे ये पाठक जी है और हमारे सबसे बेस्ट हमारे म्यूजिक मधुकर जी, उनों के इन सब के मदद से हमने, मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम है लेकिन जो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मेहनत किया हमने भी बहुत मेहनत किया है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो भैया ने किया है, हमारे सर ने किया है, उनके साथ हमने भी छोटा मोटा साथ दिया है। कुछ अपने बारे में बताना चाहिए, अब तक आपने क्या वर्क किया है? और वर्क तो मेरा अभी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, अभी देखते हैं इसके आगे कहाँ तक पहुँचेंगे, अभी कोशिश तो है कि कुछ अच्छा चीज़ करें, अच्छे मुकाम तक पहुँचे। आगे चल के एक्टिंग करेंगे या और भी सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूस तो अभी ये तो फर्स्ट टाइम है, अभी एक धीरे धीरे एक्टिंग में ही जाएंगे, कब तक प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रमोद जी के साथ आगे कौन सा मूवी कर रहे हैं? अभी हमारा है ना सरगम और सिंदूर, ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, ये देखिए यहीं पर हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट का हो, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी वही अभी देखते हैं, उसके लिए भी अभी ये सब फाइनल होने के बाद हम नेक्स्ट उसके लिए भी शूटिंग जल्दी। कब तक सर? दिवाली के बाद ही हो सकता है जो भी होगा उसका। छठ के बाद हाँ सॉरी। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख पा रहे हैं? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारा फर्स्ट ट्राई है, फर्स्ट कोशिश है, तो प्लीज़ साथ दीजिए और प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। नवरात्रि अभी सब भाई लोग शुरू में बोलने की सबके नवरात्रि की ढेर सारा शुभकामना। अभी गाना हालांकि बहुत बढ़िया बाया था, आप सबके आशीर्वाद प्यार से गाना, चार पांच वो गाना बाजा था अभी की डेट में, वो गाना में बड़ा बढ़िया गोल रहे। हर की छोड़ी दये माई रहल पत्थर पहाड़ पर मंदिर बना दे हवे अपने द्वार पर, बहुत ही अच्छा गाना गौले बनी पचरा में, और वो गाना गौले बनी कि अलू त दियावा बारिक वही टाइप के बा कि अलू त दियावा बारिक के जा मैया के यार ते उतार के जा, काफ़ी गाना हमारे 12 तारीख से, तो आप सब भी तेरे प्यार दुलार बनौले रही और आशीर्वाद देते रही भाई के। थैंक यू।